जम्मू कश्मीर के बारामूला में आज सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। मारे गए आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। हालांकि इस मुठभेड़ में दो आतंकी भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश में सेना इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं इस मुठभेड़ में सेना की ओर से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दरअसल ये मुठभेड़ तब शुरू हुई जब हरितार आरजू में भारतीय सेना को दो आतंकी छिपे होने की खबर मिली थी। इस सूचना के बाद से ही इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सर्च अभियान के दौरान ही दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई और सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी की पहचान पाकिस्तान के रहने वाले अबू उमर खतीब के रूप में हुई है। उसके पास से एक असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन और कुछ हैंड ग्रेनेड के अलावा एक डायरी भी बरामद हुई है। यहां आपको बता दें कि इससे पहले 29 दिसंबर को भी उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों के साथ भीषण मुठभेड़ में सेना के दो जवान घायल हो गए थे, जिसके बाद आतंकी भाग निकले थे। साल की शुरुआत में ही जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। हालांकि दूसरे आतंकियों की खोज में इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। देखते रहिए डीबी लाइव।